ब्रह्मप्रकाश जी, आज ईवीएम को लेके जो इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, तो ईवीएम का एक क्या एक मुद्दा बन गया है? देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है कि जो संविधान ने सबको एक मत का अधिकार दिया था, और उस मत के अधिकार की वजह से जो राजा भी चुनाव लड़ता था और लड़ता है, और एक गरीब वर्ग का भी चुनाव लड़ता है, तो मत पाने के लिए एक छोटे से लेकर के बड़े कैंडिडेट के दरवाजे तक जा कर के नतमस्तक करता है और वो उसकी इज्जत करता है जी। जब से ईवीएम का ये सिस्टम आया और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि जिन देशों ने इस ईवीएम को डेवलप किया, ईवीएम मशीन को क्रिएट किया, जर्मन से, लंदन से, अमेरिका से, उन कंट्रियों ने इसकी हैकिंग की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसको तुरंत बंद कर दिया और फिर पुराने वही बैलेट पेपर से इसको चुनाव कराने के लिए तैयारी की। बैलेट पेपर से चुनाव कराना इसलिए सुरक्षित रहा कि बैलेट पेपर से जब कोई कैंडिडेट अगर एक अंदर जाता है तो उसका जब टिक लगता है सीरियल नंबर पर, तो उस पर उसके नाम से उस बैलेट पेपर पर एक सीरियल नंबर इशू होता है, जो उसने वोट दिया और जहाँ पर उसका टिक हुआ, उसकी जहाँ अटेंडेंस लगी, वो अटेंडेंस के साथ उसको एक नंबर दिया जाता है जो उसका वोटिंग का अधिकार होता है, वो उसके बैलेट पेपर के ऊपर कोड होता है जी। और उस कोड के बाद वो मोहर लगाता है और वो एक कन्फर्म ये रहता है कि मेरा वोट मैंने इस पार्टी को दिया है। लेकिन ईवीएम में जितने तरीके से, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो मणिपुर का चुनाव हो, चाहे वो गोवा का चुनाव हो, सारे चुनावों में हाईजैक करने का मैटर, वोटिंग मशीन को हैकिंग करने का मैटर सामने आया, और टेलीविज़न पर तमाम लोगों को हमने ये कहते हुए भी देखा गया कि एक कैंडिडेट खड़ा होता है और कैंडिडेट का उसका अपना खुद भी वोट है, उसकी बीवी का भी वोट है, उसके बच्चों का भी वोट है, उसके खानदान के लोग भी उसे वोट डाल रहे हैं, लेकिन उसको जीरो वोट मिलता है। आखिर वो वोट गया कहाँ जी? तो ये सवाल पैदा होता है कि ईवीएम में जो जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, पसंदीदा व्यक्ति को वो वोटिंग करना चाहता है, मानते हैं कि 50 अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं एक क्षेत्र में, तो 50 में से कोई एक तो जीतेगा ना जी, जी, जी। लेकिन जीतने के लिए ईमानदारी तो होनी चाहिए ना। ईमानदारी ईवीएम मशीन में नहीं छलकती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां दबे सुर में बोलती तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों के लीडर या तो सीबीआई या आईबी के किसी ना किसी करप्शन के चक्कर में वो दबे हुई जबान से बोलते तो हैं, लेकिन वो सड़क पर नहीं उतरते हैं। दूसरा, ये एक तानाशाही है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से साथ में, अभी इन्होंने जब इस तरीके की चर्चा में आया ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, तो इन्होंने एक बीपी पैड लगाने की बात की थी। जब ये पत्रकारों के सामने बात आया है कि भाई इसमें एक पर्ची निकलेगी, लेकिन वो पर्ची दिखाई नहीं जाएगी। हाँ, देखिए, अगर ईवीएम ईमानदार है और इलेक्शन कमीशन, हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन के प्रशासन से कि ईवीएम मशीन आप अगर आप लगाते हैं और उसमें वीवीपैट है, तो वीवीपैट की पिछली बार जहां पर चुनाव में गड़बड़ियां होने की आशंका जताई गई, तो हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज किया गया था कि जितनी वोटिंग की गई है उसकी काउंटिंग की जाए। कुछ जगहों पर ये भी पाया गया कि 1.5 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा में और वहाँ पर पड़े हैं 1,65,000 वोट, तो ये ऐसे कैसे हो गया? मशीन में कोई लिमिटेशन है ही नहीं। अगर वहाँ पर एक पोलिंग बूथ पर 2,000 लोगों का वोटिंग है और 2,000 वोटों में से 2,500 वोट पड़ रहे हैं, वो कहाँ से पड़ रहे हैं? मशीन के अंदर कोई कंट्रोलिंग है ही नहीं। और जब ईवीएम मशीन में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया? अब जब माननीय हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे जिस आदमी ने वोट डाले हैं और वो ये कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे मैं चुनाव जीत सकता हूँ, ईवीएम में जितनी वोटिंग हुई है उसके हिसाब से पर्चियाँ नहीं निकली हैं, तो पर्चियों की काउंटिंग करानी चाहिए थी। अगर ईवीएम मशीन को ही लागू करना चाहते हैं तो डबल पर्ची होनी चाहिए, डबल पर्ची ये होनी चाहिए, एक ईवीएम मशीन के अंदर दिखनी चाहिए जो उसने वोटिंग की, और दूसरा उसके हाथ में एक रिसीट होनी चाहिए कि मैं अपना कैंडिडेट को वोट देकर आया हूँ।
लेकिन उसके अंदर उन्होंने बताया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई इसका जो पर्ची निकलेगी, तो उन्होंने बोला कि इसमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा होगा। लेकिन जो पर्ची का जो सिस्टम बताया उन्होंने बीपी पैड का, मात्र 7 सेकेंड का है। जो गाँव के अंदर बुजुर्ग हैं या मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो 7 सेकेंड के अंदर उस पर्ची को देख पाने में वो कुताही बरतते हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं। उसके लिए बोला कि हम इसमें डेट आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उनके इस तरीके की मंशा थी। देखिए, 7 सेकेंड का केवल एक बहाना है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो मशीनों का जो टाइम टेबल है उसको आगे पीछे भी बढ़ाया जाता है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि किसी भी टाइम मशीन को किसी भी आगे पीछे सेट करने के बाद, अब जो बुजुर्ग हैं 7 सेकंड तो उसको निशान देखने में लग जाएंगे कैंडिडेट को, क्योंकि एक जिले के अंदर या एक विधानसभा में या एक लोकसभा में अगर 12 कैंडिडेट हुए तो क्या जिनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है या 60 वर्ष से ऊपर के लोग हो गए हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको बहुत कम दिखाई देता है, चश्मा में भी धुंधला दिखाई देता है, तो उसको 7 सेकंड में क्या वोटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये एक बहाना है, उसको लागू रखने के लिए एक बहाना है। हमारी मांग तो सिर्फ इतनी है कि अगर सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि सर, अगर 2019 के अंदर जो चुनाव होते, मैं अगर लगा रहा हूँ कि आगे पीछे भी हो सकता है, कि जो अगला जो चुनाव होगा, क्या आप बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे या मशीन से कराना पसंद करेंगे? लास्ट यही है। देखिए, लास्ट सवाल आपका जो है, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि भारत में इसकी क्रांति होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन से ये हम उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी तरह से ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 1 जुलाई का जो हमारा आंदोलन है, हमने कहा है कि 1 जुलाई को हम रामलीला ग्राउंड पर सरकार से, जो इलेक्शन कमीशन है जो इसको चुनाव को कराता है, हमारी मांग उससे है, हमारी किसी पार्टी के विरोध में मांग नहीं है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। अगर ईमानदारी है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, ईमानदारी जिंदा रखनी है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना अति आवश्यक है। उसके लिए हम आगे के लिए अगर नहीं सरकार मानती है तो हम उसके लिए आंदोलनकारी रहेंगे और पूरे देश में इसकी चर्चा का विषय बनाएंगे। क्योंकि हमने 1 जुलाई क्यों रखा, आपने ये नहीं पूछा कि 1 जुलाई क्यों रखा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 6 महीने पहले उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अगर हम मानसून सेशन में जाते हैं और उसकी हम आंदोलन करते हैं तो मानसून सेशन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नेता भी बिजी रहते हैं। अगर हम अक्टूबर नवंबर में जाते हैं तो फिर 6 महीने नहीं बचते हैं जी, इस पर डिसीजन नहीं हो पाएगा। हमारा तो उच्च न्यायपालिका, जो भारत की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी जब 4 जजों ने आकर के लोकतंत्र को खतरे की बात कहा तो इसे बात नहीं। सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि आप जो होने वाला चुनाव है वो आप बैलेट पेपर से या मशीन से? लास्ट बैलेट पेपर से चुनाव होना।